नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, नवरात्रि में माँ भगवती के शक्ति पीठों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन शक्ति पीठों के बारे में जो हमारे देश के बाहर हैं। जी हाँ दोस्तों, जब यज्ञ में भगवती ने अपने शरीर को भस्म किया था तो इन स्थानों पर उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े गिरे थे। भगवती शिवा ने राजा दक्ष को वरदान दिया था कि वह उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। तब यह भी कहा था कि जब आपका आदर मेरे पति के लिए कम हो जाएगा तब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। भगवती शिवा ने सती के रूप में दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। घोर तपस्या करती उन्होंने भगवान शिव को वर के रूप में पाया। एक यज्ञ में दक्ष द्वारा भगवान शिव के अनादर पर सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार देवी सती के शरीर के कुल 52 टुकड़े हुए जो अलग अलग जगहों पर गिरे। ये जगह शक्तिपीठ कहलाए। इनमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं और 10 शक्तिपीठ पड़ोस के 5 देशों में हैं। इन देवी पीठों के दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश में कुल 5 शक्तिपीठ हैं। पहला है सुगंधा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ सुगंधा नदी के तट पर है। मान्यता है कि माता सती की नाक यहाँ गिरी थी। यहाँ माता सती देवी सुगंधा के रूप में शिव त्र्यंबकम के साथ वास करती है। दोस्तों, दूसरा है चट्टर भवानी। यह शक्तिपीठ चिट्टागोंग जिले में सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल में है। यहाँ माता सती की दाई भुजा गिरी थी। यहाँ माँ की भवानी स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगला है श्री शैल महालक्ष्मी। यह शक्तिपीठ सिंहर जिले में शैल नाम के स्थान पर है। यहाँ माता सती का गला घिरा था। यहाँ माता के महालक्ष्मी स्वरूप की उपासना की जाती है। योगेश्वरी माता शक्तिपीठ। खुलना जिले में योगेश्वरी माता का शक्तिपीठ है। इस स्थान पर माता की बाई हथेली गिरी थी। दोस्तों, अगला है अपर्णा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में भवानीपुर गाँव में है। यहाँ माता सती के बाएं पैर की पायल गिरी थी। दोस्तों, नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं, गुहेश्वरी शक्तिपीठ और आद्या शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर बागमती नदी के किनारे है। यहाँ माँ के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ शक्ति के महामाया रूप और भगवान शिव के भैरव कपाल रूप की पूजा होती है। आद्या शक्तिपीठ। यहाँ गंडक नदी के पास आद्या शक्तिपीठ है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का बायां गला गिरा था। यहाँ माता की गंडकी स्वरूप की पूजा होती है। दोस्तों, अगला है हिंगुला शक्ति जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगुला शक्ति पीठ है। यहाँ हिंगलाज देवी की पूजा की जाती है। यहाँ माता सती का सिर गिरा था। इस प्रसिद्ध शक्ति पीठ को नानी का मंदिर या नानी हज भी कहते हैं। अगला है मनसा शक्ति पीठ जो कि तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर नदी के तट पर मनसा देवी शक्ति पीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की दाई हथेली गिरी थी। इंद्राक्षी शक्ति पीठ जो कि श्रीलंका में है। दोस्तों, श्रीलंका में देवी सती का प्रसिद्ध इंद्राक्षी शक्ति पीठ है। इस जगह पर माता सती की पायल गिरी थी। जाफना नल्लूर में माता को इंद्राक्षी के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।